नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव। 4 साल से अधिकारियों की चौखट पर लगा रही है न्याय की गुहार, कहा पति को मारकर बेंच दिए अंग। उन्नाव। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक उन्नाव को दिया प्रार्थना पत्र, लगाया आरोप प्रार्थिनी के पति को रोजगार देने के बहाने दबंग लोगों द्वारा। प्रार्थिनी के पति को बाहर पूना ले जाकर उसको मारकर उसके अंगों की तस्करी करने के संबंध में प्रार्थना पत्र में कहा कि प्रार्थिनी निथिलेश पत्नी थानेश्वर निवासी ग्राम आलमपुर रितवा ग्राम पंचायत हीरापुर परगना वह तहसील बोगरमऊ जनपद उन्नाव की मूल निवासिनी है। प्रार्थिनी एक गरीब महिला है तथा प्रार्थिनी की जाति अनुसूचित जाति चमार जाति की महिला है, जो कि मजदूरी करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करती है। दिए गए प्रार्थना पत्र में दिनांक 11 जून 2020 की घटना है। प्रार्थिनी का पति थानेश्वर को चांद मंसूरी पुत्र पीर मोहम्मद शरीफ पुत्र नईम निवासी ग्राम मऊ पर शून्य व तहसील बांगरमऊ व सिराज निवासी भटियापुर थाना बोगरमऊ जनपद उन्नाव ने रोजगार के बहाने से प्रार्थिनी के पति को पूना लिवा ले गए। जब प्रार्थिनी का पति थानेश्वर रास्ते में था, तब एक बार प्रार्थिनी ने अपने पति से बात की तो उसके पति ने बताया, अभी पहुंचा नहीं हूं, सगठी में हूं, पूना सुबह पहुंच जाऊंगा। प्रार्थिनी ने अगले दिन अपने पति से बात की तो बात नहीं पाए। प्रार्थिनी ने चांद मंसूरी पुत्र पीर मोहम्मद शरीफ पुत्र नईम ने इन लोगों से संपर्क किया तो उन लोगों ने बताया कि कहीं गए हुए हैं, जब जा जाएंगे तो बात करा दूंगा। प्रार्थिनी ने कई बार अपने पति से संपर्क किया लेकिन कोई बात नहीं हो पाए। इस तरह कई बार संपर्क करती रही लेकिन कोई बात नहीं हो पाए। फिर प्रार्थिनी ने उक्त चांद मंसूरी पुत्र पीर मोहम्मद शरीफ पुत्र नईम से बात की और अपने पति के बारे में पूछा तो उक्त दबंग लोगों ने प्रार्थिनी को मोबाइल पर ही गाली करने लगे और जाति सूचक गालियां देने लगे और कहा कि तुम्हारा पति जब को नहीं मिलेगा। प्रार्थिनी घबरा गई। तब प्रार्थिनी उक्त प्रकरण की सारी जानकारी अपने रिश्तेदारों को बताई। तब उन लोगों ने चांद मंसूरी पुत्र पीर मोहम्मद शरान पुत्र नरशन से संपर्क किया तो उन लोगों से भी कहा कि अब थानेश्वर तुम लोगों को नहीं मिल पाएगा, उसे हमने गायब करा दिया है और उसके पास की तस्करी प्रकरण की सूचना दिनांक 22 जुलाई 2002 की थाना कोतवाल नगर में दी, जहां पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा साठगांठ कर लिया गया। उसके बाद उसने जनपद स्तर पर भी उक्त प्रकरण की सूचना देने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। प्रार्थिनी के सोचा शिया 7 वर्ष प्रांशी 05 वर्ष है। प्रार्थिनी तथा उसके के भूखमरी कगार पर है। पति के अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। प्रार्थिनी कई बार प्रार्थना पत्र दिए है लेकिन प्रार्थिनी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाने के लिए लखनऊ जाकर आत्मदाह की बात कही, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन जी। क्या घटना हुई और क्या मामला है आपके पति के साथ? हमारे पति को मार दिया गया, चांद मंसूरी और सिराज शरीफ मिलकर मार दिए, काम करने के बहाने ले गए। तेज बोलिए थोड़ा। मिथिलेश कुमारी मेरा नाम है और चांद मंसूरी शरीफ सिराज को लेके गए थे साथ में काम करने के बहाने, पर उन्होंने रास्ते में मिलके मार दिए। पता नहीं किस कारण नहीं, और जब मैंने फोन करके पूछा तो वो बोले हमको नहीं पता है कहाँ है। और जब पहुँच गए तो फिर मैंने फ़ोन किया, कोई फ़ोन ही नहीं लग रहा था, कह रहे थे कि हमको नहीं पता है। जब घर पे आए वो लौट के कहने लगे कि हम कोई बात नहीं आ जाएंगे 2-3 दिन में। आपको कैसे जानकारी हुई कि आपके पति को मार दिया है और कैसे पता चला आपको? जब मैं रास्ता देखती रही कि उनका जब फ़ोन नहीं लगा, जब ये धमकी दी है कि कहीं जाना नहीं तो तुमको भी मार देंगे, रिपोर्ट नहीं करवाना कहीं। अच्छा, किसने कही है बात? चांद मंसूरी ने हमारे घर पे चल के आए, हमारे गांव के सामने, गांव के कुछ लोग मौजूद भी थे। हाँ। उनके सामने कह के गए हैं और गवाह भी हमारे सामने भी हैं। इसकी शिकायत की थी आपने थाने? हाँ की थी। मुकदमा दर्ज हुआ था? मुकदमा दर्ज हुआ था, फिर भी नहीं कोई कितने दिन हो गए हैं? 4 साल। आज यहाँ एसपी ऑफिस आई है क्या? यहाँ आपकी बार दूसरी बार आई हूँ। क्या आश्वासन मिला, क्या बोले साहब? कह रहे हैं तुमको न्याय मिलेगा, थाने को भेज दिए हैं।